वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए गाजर के लड्डू। गाजर का हलवा आपने सुना होगा, गाजर की लौज, बर्फी सुनी होगी, लड्डू नहीं सुने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी, क्लेरिफाइड बटर, और मैं साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती रहूंगी। ये देखिए, मैंने बहुत फाइनली गाजर को चॉप कर लिया है और मैंने चॉप्ड गाजर जो है वो 1.5 कप ली है। इसको हम इसमें करेंगे रोस्ट। बहुत अच्छा लगेगा ये। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते हुए इसका पानी जो है वो पूरा सुखाएंगे और गाजर हल्की सी पक जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। देखिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा देसी बूरा या देसी खांड आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो मावा जो है वो मीठा होता है, गाजर भी मीठी होती है। अगर आप शुगर फ्री इसको बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, गाजर जो है वो भुनना शुरू हो गई है। आप थोड़ा सा खाकर देख लें, बहुत ज़्यादा कच्ची ना हो, हल्की सी क्रंची उसमें अच्छी लगती है, लेकिन ये पक जाए अच्छे से। देखिए, पानी सूखना शुरू हो गया है। देखिए, पानी सूख गया है, ये स्टेज हमें चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें ये ग्रेटेड खोआ 1 कप। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस को स्लो टू मीडियम ही रखना है। और ये ना ग्रेट नहीं की हुई है गाजर, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा। सर्दियां जा रही हैं और गाजर भी जाने वाली है, तो उससे पहले आप ये ट्राई कर लीजिए। ये देखिए, भुनना शुरू हो गया है, मावा भी अपना हल्का हल्का घी छोड़ रहा है। ऐसे करके आपको इसको पूरा दबाते वैसे मिक्स करना है। वैसे तो खोआ ग्रेटेड है, मिक्स हो जाएगा आसान से, तो इस टाइप से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहीं पे हम, ये बहुत फटाफट बनता है, यहीं पे मैंने देखिए थोड़ा सा ये बादाम को क्रश कर लिया है मिक्सी में। 10 से 15 बादाम है, आप जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं। और ऐसे ही मैंने 10 से 15 ये पिस्ते को ग्राइंड कर लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इससे बाइंडिंग आएगी, चॉप करके मैंने इसलिए नहीं डाला है कि थोड़ा सा ये बादाम का जो पाउडर है रोस्ट हो जाएगा इसमें और जो घी है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत यकीनन बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। आप इस तरह से भी, जिनको शुगर है आप सीधा इस तरीके से भी खा सकते हैं। ये देखिए, और हमें 1-2 मिनट इसको भूनना है। अब ये स्टेज में ये कंप्लीट जो है भुन गया है, देखिए बहुत अच्छे से। अब हम गैस को करते हैं ऑफ और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, इसको अब हल्का ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है। अब ये देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये देसी बूरा जो है मिला रहे हैं, और इसको आप मिलाकर ना टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि कभी कभी गाजर मीठी होती हैं, कम मीठी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी चीनी खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे करके देख लीजिए। इसको मैं हाथ से मैश करूंगी अब, क्योंकि जो थोड़ी बहुत गुठली है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। और ये बहुत फटाफट बनने वाला मिठाई है, बहुत फटाफट। और आप ऐसे करके देख लेंगे कि आपके ये लड्डू बन रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनकर तैयार है ना बढ़िया। तो ये बिल्कुल इतना परफेक्ट बनता है, कम मीठे के साथ बनाइए। और आप चाहें तो इसमें इसको ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर ये लगा सकते हैं, पिस्ता लड्डू के ऊपर। तो ये लड्डू हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो आइए सारे लड्डू बनाते हैं। देखिए, ये घी छोड़ दिया है इसने और इस टाइप से ये थोड़ी देर में जम जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा ये लड्डू बनकर तैयार है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा और इसमें ये जो अपना आलमंड पाउडर है, जो बादाम का पाउडर है वो मिला दें, ये सब आपके ऊपर है।
बस ये है कि आपके लड्डू जो है वो फटाफट बनते हैं, और ये बिल्कुल चिपका चिपका नहीं बनता क्योंकि ये हमने ग्रेट नहीं किया है, दानेदार लड्डू बनता है। तो आशा करती हूँ कि आप ये लड्डू जरूर ट्राई करेंगे, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस टाइप से, तो गाजर के लड्डू ट्राई करेंगे ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको ये दिखाऊंगी सारे बनाने के बाद कि कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये देखिए हमारे ये यम्मी से लड्डू जो है वो बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।